चेन्नई टेस्ट का पहला दिन खत्म हो गया है। जब मैच शुरू हुआ था तब टीम इंडिया के फैंस पूरे जोश में थे, लेकिन मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही झटके लगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे बड़े बल्लेबाज जल्दी आउट होकर चले गए, तो बांग्लादेश जैसी टीम के सामने भी टीम इंडिया स्ट्रगल करती नजर आई। लेकिन दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया ने काउंटर अटैक किया और पूरा गेम ही पलट दिया। गेम पलटने वाली जोड़ी अश्विन और जडेजा की थी। सातवें और आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को पहले तो संकट से बाहर निकाला और बाद में एक ऐसी स्थिति में पहुंचाया जब मैच अब टीम इंडिया की मुट्ठी में आ गया है। और इस दिन के हीरो रहे लोकल बॉय रविचंद्रन अश्विन। ये मैच अश्विन के घर में था, यानी चेन्नई में। आठवें नंबर पर बैटिंग करने आए अश्विन ने शुरुआत में तो अटैक किया और उसके बाद जैसे ही हाथ खुला तो रविंद्र जडेजा के साथ एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने टीम इंडिया के लिए पूरा गेम ही बदल दिया। अश्विन और जडेजा की जोड़ी पिछले 10-12 साल से टीम इंडिया को न जाने कितने मैच बॉलिंग करते हुए जिता चुकी है, लेकिन बल्लेबाजी में भी ऐसे कई कमाल ये दोनों कर चुके हैं और एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला। जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तब बांग्लादेश के कंधे झुके हुए थे क्योंकि अश्विन और जडेजा करीब 200 रन एक साथ जोड़ चुके थे। इसमें रविचंद्रन अश्विन के 108 बॉल में 100 रन की कमाल की पारी भी रही। जो दिन का खेल खत्म होने से पहले उन्होंने ये शानदार सेंचुरी जड़ी। अश्विन का टेस्ट फॉर्मेट में ये छठा शतक है, लेकिन कमाल ये है कि ये उनका घर में यानी चेन्नई के इस चेपॉक मैदान में दूसरा शतक है। और अश्विन एक और उपलब्धि से खुश होंगे, दो दिन पहले ही वो 38 साल के हुए हैं और खास बात यह है कि आज सामने स्टैंड्स में उनके पिता भी बैठे थे। अश्विन ने चेन्नई की इन्हीं गलियों में अपने पिता रविचंद्रन के साथ न जाने कितना क्रिकेट देखा है और खेला है। कुछ वक्त पहले ही अश्विन की किताब आई थी, समय निकालकर उसे पढ़िएगा तो मालूम पड़ेगा कि कैसे अश्विन के पिता ने अपने बेटे के करियर के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बांग्लादेश ने पहले दिन की शुरुआत में टीम इंडिया का स्कोर 144 पर 6 विकेट कर दिया था, लेकिन अश्विन और जडेजा ने दिन का खेल खत्म होने तक पूरा चक्का घुमा दिया और ये ऐसा घुमाया कि जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तब टीम इंडिया का स्कोर 339 पर 6 विकेट था। रविचंद्रन अश्विन अभी भी 102 और रविंद्र जडेजा 86 के स्कोर पर नाबाद हैं। दोनों के बीच कमाल की 195 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। अब बस कोशिश तो यही होगी कि दूसरे दिन का खेल जब शुरू होगा तो टीम इंडिया अपने स्कोर में जितने ज्यादा रन जोड़ सके तो मजा आएगा और कोशिश ये भी होगी कि रविंद्र जडेजा अपनी सेंचुरी पूरी कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।